हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लैक्मे वेबसाइट क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। आप देख सकते हो हमने सबसे पहले एक नेवबार क्रिएट किया है जिसमें लेफ्ट साइड में लैक्मे का एक लोगो है। देन ये जो बीच में आप देख रहे हैं टेक्स्ट बेसिकली मेकअप स्किन केयर। देन राइट में आप देख सकते हैं आइकन्स है हमारे पास कुछ, जैसे यूज़र सर्च आइकन। ये हमने पूरा एक नेवबार क्रिएट किया है। देन उसके नीचे ये पूरी हमारे पास मेन इमेज है लैक्मे वेबसाइट की। देन उसके नीचे आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग नाउ हमने बटन बनाया, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है। देन ये हमने पूरे मेकअप किट के कार्ड्स बनाए हैं। देन ये आप सकते हैं व्यू शेड्स, ये हमने पूरे बटन क्रिएट करे हैं जिस पर हमने होवर इफेक्ट भी लगाया है। देन ये हमने दूसरे कार्ड्स को क्रिएट किया है लैक्मे प्रो जोन को, जिसमें आप देख सकते हैं बेसिकली कार्ड्स बने हैं प्रो जोन के। देन बेस्ट डील कार्ड्स ऑफ लैक्मे, ये भी हमने कार्ड क्रिएट किए जिसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट भी है। देन ट्रेंड्स, बेसिकली ट्रेंड्स क्या चल रहा है लैक्मे पे, तो वो जिसके नीचे हमने लिपस्टिक और बाकी सब मेकअप किट के कार्ड्स क्रिएट किए। देन लास्ट में आप देख सकते हो हमने फूटर क्रिएट किया है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो यार शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आ चुके हैं VS Code Editor पर और सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं नेव बार, तो इसलिए एक मैं ले रहा हूँ नेव टैग और उसके अंदर मैं लिखूँगा एक इमेज। इमेज टैग के अंदर मैं जो ये लैक्मे की बेसिकली लिंक है लोगो की, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसकी मैं क्लास दे दे रहा हूँ लिस्ट, और उसके अंदर हम 4 से 5 या 6 पी टैग लेंगे। पी टैग इसलिए, आपको पता है कि सेंटर में हमारे पास कुछ नेव बार में टेक्स्ट लिखा था ये मेकअप इस तरीके से, तो इस मेकअप को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा पी टैग में। देन स्किन केयर, इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे पी टैग में। हमें सभी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या इस डिव के बाहर आ जाऊँगा और मैं ये जो यूज़र वार है, मैं बेसिकली फॉन्ट ऑसम आइकन का यूज़ कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है फॉन्ट आइकन का, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर मैंने इजीली बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया कि कैसे फॉन्ट आइकन को यूज़ करना है। अब मैं इस सर्च आइकन को भी इसकी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देन ये हमारे पास बैग है बेसिकली, इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बहुत सिंपल है, मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं नेव टैग के बाहर आ जाऊँगा, एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी क्लास हम मेन दे रहे हैं और उसमें बेसिकली एक इमेज होंगी, उसमें मेन इमेज होने वाली है lk.webp। बेसिकली मैं आपको सभी इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इजीली इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। देन अब मैं इसके भी बाहर निकल जाऊँगा और एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली डील नाम का, और उसके अंदर हमारे पास एक पी टैग होगा और सॉरी बी टैग नहीं, यहाँ पर बटन टैग होगा बटन, और इस बटन में हम लिखेंगे ट्रेंडिंग नाउ, ट्रेंडिंग नाउ। देन जो पी टैग है इसके लिए हम ये टेक्स्ट है ना, आपको ये टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे और ये पी टैग में पेस्ट कर देंगे। और ये जो ड्यू दिख रहा है आपको डील वाला, ये हम सभी जगह रीयूज़ करेंगे, बस हर जगह पर हम उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर देंगे। अब मैं एक उसके बाहर एक ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी क्लास है प्रो, और उसके अंदर जो ड्यू है उसकी क्लास है CRD, उसकी क्लास है CRD, और उसके अंदर है इमेज, और इमेज के अंदर होगा उसके इमेज के नीचे है H2 टैग और H2 टैग के नीचे है P टैग। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, ये देखिए हमें ये कार्ड्स बनाना है, इसलिए देखिए इमेज H2 में न्यू आएगा और P में टेक्स्ट आएगा लैक्मे एब्सोल्यूट, है ना। तो इसमें हमने लिख दिया लैक्मे और इसमें हम लिख देंगे P टैग में लैक्मे एब्सोल्यूट। हमें ये कार्ड बनाना है इसलिए हमने पहले इमेज दी, फिर H2 दी, फिर P दिया, इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। और ये जो आपको ड्यू दिख रहा है CRD वाला, इसको हम पूरी कॉपी कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर 3 बार, क्योंकि हमें 3 कार्ड बनाने हैं इसलिए हम इसे 3 बार पेस्ट कर देंगे। देन ये जो इमेज है इसका मैं इसकी लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा और सभी इमेजेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पर आप ईजिली इमेजेस का यूज़ करके वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यानी इमेजेस की लिंक कॉपी कर लूँगा और ये जो सेकंड वाला कार्ड CRD दिख रहा है इसमें हम पेस्ट कर देंगे। देन इस यानी इमेज को भी हम लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने जो कार्ड्स है मेकअप किट के कार्ड्स को क्रिएट कर लिया है और अब हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली जिसकी क्लास है प्रो, प्रो ही दी है हमने। और हमें बेसिकली देखिए ये बनाना है,
है ना, ये बनाना है कार्ड्स को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ड्यू डॉट बी टी एन, हमें क्या यहाँ पर बटन्स भी बनाना है। अपन ने देखे थे व्यू शेड्स करके, तो हाँ हमें वो बटन भी क्रिएट करना है व्यू शेड्स। और ये बेसिकली फोर बटन्स होंगे, तो मैं इसे कॉपी करके फोर बार पेस्ट कर दूंगा। तो हमने ये बटन को क्रिएट कर लिया है। देन अब हम प्रो वाला क्रिएट करेंगे कार्ड। बेसिकली इसमें इमेज है और इसमें इमेजेस बहुत सारी है। देखिए हमें तीन इमेजेस हैं, और हम जो हमने ये बटन और जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, मैंने आपसे कहा था हम इसे रीयूज़ करेंगे। ये आपको मैंने कहा था ये जो डील वाला है, डील वाला ड्यू है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और सभी जगह जहाँ जहाँ हमें बटन और टेक्स्ट की ज़रूरत है, और हमें हर कार्ड के ऊपर, हम जो भी नया कार्ड बना रहे हैं उसके ऊपर हमें बटन और टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो हम हर जगह इस डील वाले ड्यू का, मतलब इस ड्यू का हम रीयूज़ करेंगे। सिर्फ हम उसमें टेक्स्ट को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर से मैं ये टेक्स्ट हटा दूंगा और ये वाला टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया, और ट्रेंडिंग नाउ की जगह मैं लिख दूंगा लैक्मे। ट्रेंडिंग नाउ की जगह हमने लिख दिया लैक्मे, लैक्मे प्रो। यहाँ हम बेसिकली लिख देंगे लैक्मे प्रो। तो इस तरीके से हम ये बटन और टेक्स्ट वाले ड्यू को, डील वाले ड्यू को रीयूज़ करेंगे और सभी जगह यूज़ करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर प्रो में बेसिकली थ्री इमेजेस होने वाली है। और ये देखिए, ये इमेजेस का लिंक मैं कॉपी कर लूँगा और फर्स्ट में पेस्ट कर देंगे। देन जो सेकंड इमेज है इसकी लिंक को भी कॉपी कर लेंगे और सेकंड ड्यू में हम पेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो फर्स्ट इमेज है उसको हमको सेंट बीच में दिखाना है, इसलिए मैं उसे ना बीच में पेस्ट कर दूंगा। इसे हम कॉपी करेंगे और इसे हम बीच में पेस्ट कर दें। देखो यहाँ पर हमने बीच में पेस्ट कर दिया, बात सेम ही है, हमने उसको बीच में पेस्ट कर दिया। और जो थर्ड वाली इमेज की लिंक को भी हमने कॉपी कर लिया और थर्ड वाले इमेज टैग में हम पेस्ट कर दे रहे हैं। देन हमने ये जो प्रो वाला सेक्शन था ये भी क्रिएट कर लिया है। देन हम बेसिकली प्रोज ड्यू डॉट की क्लास दे रहा हूँ मैं प्रोज नाम से, इसकी मैंने प्रोस कर दिया, और इसकी मैं यहाँ पर कर दूंगा चेंज, सी आर भी कर दिया मैंने। और मैं इमेज टैग लूँगा इसमें भी, इसमें मैं चार इमेज होने वाली है इसमें, इसलिए हम चार इमेज ले रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था डील वाले ड्यू को हम रीयूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ हमें कार्ड बनाने की ज़रूरत है उसके ऊपर ये बटन और टेक्स्ट आने वाला है। बटन और टेक्स्ट हमें आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी कर दिया और इसको मैं एक बार और पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हमें और ड्यू कार्ड्स क्रिएट करने हैं। तो अभी हमें क्या करें, ये जो टेक्स्ट है इसको, टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देंगे और इस पी टैग में मैंने पेस्ट कर दिया। और बटन में जो लिखा है बेस्ट डील्स, बटन में हम ये टेक्स्ट लिख देंगे। और ये जो इमेजेस है इसका लिंक को कॉपी कर लेंगे और फर्स्ट इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे। देन जो सेकंड इमेज है इसे भी कॉपी कर लेंगे और सेकंड इमेज टैग में हम पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास थर्ड इमेज, इसको भी कॉपी कर लेंगे। देन थर्ड इमेज इसको भी हमने कॉपी कर लिया और इसे भी हमने पेस्ट कर दिया। और जो फोर्थ इमेज है हम इसे भी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो बेसिकली जो हमने थर्ड वाली इमेजेस है उसे हमने यहाँ पर ये अल्ट से हटाना पड़ेगा, हमें अल्ट में पेस्ट नहीं करना होता है, मैंने गलती से कर दिया, इससे यहाँ से मैंने हटा लिया, अब सब कुछ ठीक है। तो हमने ये वाला जो थर्ड कार्ड्स थे बेसिकली वो भी क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें एक बनाना है ट्रेंड्स वाले कार्ड्स को, तो हम ये टेक्स्ट जो दिख रहा है इसको भी कॉपी कर लेंगे और ये टेक्स्ट जो दिख रहा है इसे हटा देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और बेसिकली इसमें लिख देंगे हम ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स चलते हैं मेकअप में, ट्रेंड्स, तो हमने ट्रेंड्स लिख दिए। देन जो इमेजेस होगी बेसिकली इस इमेजेस को हम कॉपी कर देंगे और कॉपी करके हम फर्स्ट इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे। देन जो सेकंड इमेज है इसकी भी लिंक को कॉपी कर लेंगे और सेकंड इमेज टैग में हम पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास जो थर्ड इमेज है इसे भी हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड हियर SRC पेस्ट। देन हमारे पास लास्ट जो इमेज है इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और हमारा जो लगभग काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लास्ट में क्रिएट करना है फूटर को, फूटर की HTML हमें लिखना है। तो मैं ड्यू की क्लास दे रहा हूँ फूटर, और उसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी क्लास होगी बेसिकली लिस्ट, लिस्ट क्लास होगी, और उस लिस्ट में H2 होगा और बाकी सब पी टैग होंगे। तो यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे पी टैग को, और जो लिस्ट है लिस्ट ड्यू इसको कॉपी करेंगे और इसे 3 बार पेस्ट कर देंगे। कितनी बार? 3 बार हम इसे पेस्ट कर देंगे। और बेसिकली अब हमें जो लैक्मे है, लैक्मे का जो लोगो है लगाना है, तो इसलिए हम इमेज टैग लेंगे और ये जो लैक्मे का लोगो है इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे और इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम स्पैन टैग में लिखने वाले हैं, जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना लैक्मे के आगे, फॉलो लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यू लॉन्चेस, ये हमको उसी लाइन में दिखाना है, इसलिए हम स्पैन टैग का यूज़ कर रहे हैं। स्पैन टैग का यूज़ किया जाता है जबकि हमें एक ही लाइन में दिखाना हो, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट को H2 में पेस्ट कर देंगे और बाकी जब जो सब जो आपको छोटे फॉन्ट में दिख रहे हैं उन सबको हम पी टैग में पेस्ट करेंगे, जैसे सपोर्ट एंड जो टोल फ्री नंबर है इसे भी हम कॉपी करके पी टैग में पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमने पेस्ट करा और मंडे सैटरडे 9 AM to 7 PM इसे भी हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और ये स्पेस को यार मैं ज़रा हटा देता हूँ, ये स्पेस को भी हम ज़रा क्लियर कर देते हैं। तो ये अब बहुत ठीक लग रहा है और आप देख सकते हो हमने सभी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है सेम। और चलिए अब देखते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर करके कि हमारा सिर्फ HTML का आउटपुट कैसा आ रहा है। तो यार अभी से हमने सिर्फ HTML दी है और सिर्फ HTML कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS देना। सबसे पहले मैं स्टार टैग में, यूनिवर्सल टैग में मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूंगा जिससे कि अननेसेसरी जो विड्थ होती है वो हमें ना मिले। और नेव में सबसे पहले मैं नेव जो टैग है हमारे पास उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, है ना, जिससे क्या होगा सभी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी और सभी चीज़ों को ना स्पेस अराउंड मतलब लेफ्ट राइट और मिडिल से मार्जिन मिल जाएंगे, स्पेस मिल जाएगा। और बैकग्राउंड कलर हम बेसिकली ब्लैक रखने वाले हैं और हल्के से ब्लैक को थोड़ा सा हम थोड़ा सेट कर लेंगे, है ना, मतलब बस एकदम ब्लैक ना हो, ब्लैक से थोड़ा कम हो, और कलर वाइट कर देंगे। मतलब जो बैकग्राउंड ब्लैक रहूँगा तो कलर वाइट होना चाहिए ताकि हमें टेक्स्ट भाई दिख सके। और बेसिकली जो नेव है, नेव में जो लिस्ट है जो टेक्स्ट होने वाला है उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। और जो लिस्ट है नेव के अंदर जो लिस्ट है, लिस्ट में बेसिकली पी है तो हम पी को मार्जिन इन लाइन 11 पिक्सल कर देंगे जिससे क्या होगा कि उनके बीच में मार्जिन आ जाएगा। तो देखिए हम ऊपर जाके देखते हैं तो देखिए अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है और मार्जिन आ चुका है बीच में टेक्स्ट में। और नेव में जो आई है बेसिकली आई टैग उसकी फॉन्ट साइज 19 पिक्सल होने वाली है, फॉन्ट साइज 19 पिक्सल होने वाली है। और पैडिंग हमने 18 पिक्सल दे दी है, और जो पी टैग है बेसिकली जो सिर्फ पी टैग है ना हम उन्हें मार्जिन टॉप से 8 पिक्सल कर रहे हैं कि यार वो थोड़ा नीचे आ जाए। देखिए तो नीचे आ चुके हैं और अब सेंटर में दिख रहे हैं। और मार्जिन टॉप से हम ना जो आई है आइकन से इन्हें भी 8 पिक्सल दे दे रहे कि देखिए दोनों फिर सेंटर में दिखेंगे। देन बेसिकली जो मेन है हमारे पास मेन इमेज उसकी विड्थ हम 100% दे देंगे, जो बेसिकली इमेज है हमारी लैक्मे की मेन वो 100% हो जाएगी। देन ये देखिए हमारी कुछ HTML है, हमने ये मेन को कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिकली जो डील है डील टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे डील में, और डील में जो बटन है बेसिकली बटन
जो बटन की विड्थ होने वाली है, बटन की विड्थ 320 पिक्सल दे रहे हैं हम, और हाइट दे रहे हैं 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर बेसिकली हम पिंक देंगे, और पिंक को हम बेसिकली सेट कर देंगे डार्क की तरफ। मैं पिंक को डार्क कर दूंगा, और जो कलर होगा वो वाइट होगा, कलर वाइट। बॉर्डर हम इसमें, बॉर्डर रेडियस जो होने वाला है 6 पिक्सल का होने वाली है, और बॉर्डर नन कर देंगे कि हमें कोई बॉर्डर ना दिखे अननेसेसरी बॉर्डर। और हम देख लेंगे इसे फॉन्ट साइज कितने होने वाले, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल होने वाली है, और मार्जिन टॉप से 55 पिक्सल होने वाला है। तो देखिए हमारा बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं इसकी जो फॉन्ट साइज़ है बेसिकली 25 पिक्सल कर दे रहा हूँ, और 25 पिक्सल मैंने इसकी फॉन्ट साइज़ कर दी। और डील में जो बेसिकली पी टैग है, पी है ना जो टेक्स्ट है, उसे हम मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल कर रहे हैं, ये थोड़ा दूर दिखे, और फॉन्ट साइज़ इसका हम 22 पिक्सल कर दे रहे हैं। तो 22 पिक्सल इज़ फाइन और बहुत ठीक लग रहा है। देन हम प्रो, जो बेसिकली प्रो है उसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स, बेसिकली इसमें कार्ड्स है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो जो सभी कार्ड्स से सेंटर में आ जाएंगे और सभी कार्ड्स को स्पेस मिल जाएगी लेफ्ट राइट और मिडल से। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, जो टेक्स्ट होगा वो भी सेंटर हो जाएगा। और जो प्रो में CRD है, बेसिकली प्रो में जो CRD है ना, उसकी जो इमेज है, CRD के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ हम 96% देंगे। कितनी? 96%। और मार्जिन टॉप से 44 पिक्सल। देखिए तो ये हमारे कार्ड्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हमारे कार्ड्स बिल्कुल रेडी है। और अब हमें क्या करना है, बटन्स जो हमने BTN में बटन व्यू शेड्स करके बटन बनाए थे उनको क्रिएट करना है। तो विड्थ होने वाली है बटन की बेसिकली 300 पिक्सल, और हाइट होने वाली है 50 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड कलर होगा बेसिकली ब्लैक होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और जो कलर होगा वाइट होगा, मतलब जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में दिखे। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर दे रहे हैं हम, और जो बॉर्डर है नन होना, बॉर्डर हमें नन चाहिए, बॉर्डर हमें कोई नहीं चाहिए। मार्जिन इनलाइन 11 पिक्सल, मतलब हर एक बटन एक दूसरे से दूर रहेगा। और अभी बटन की विड्थ ज़्यादा हो गई है बेसिकली इसीलिए, और ये जो BTN है ना उसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, जिससे क्या होगा सभी बटन सेंटर में आ गए, और बटन की विड्थ ज़्यादा होने की वजह से ये चिपक रहे, और जो फोर्थ वाला बटन है वो नीचे चले गया। तो हमें बेसिकली इसकी 260 कर देंगे, 260 पिक्सल कर दिया मैंने। और अब देखेंगे हम मार्जिन टॉप से भी हम इसे कर देंगे 55 पिक्सल, और आप देख सकते हो सभी बटन बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट हो चुके हैं। और बटन में जो BTN में जो बटन्स है, जैसे होवर इफेक्ट भी हम लगा रहे हैं, तो जैसे मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर उनका वाइट हो जाए, और जो कलर है कलर बेसिकली टेक्स्ट का ब्लैक हो जाए, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की बॉर्डर आ जाए। तो जैसे देखिए, जैसे मैं होवर करूँगा, जैसे ही मैं हम होवर कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। तो जैसे अब प्रोज, हम जो प्रोज हमारा कार्ड्स हमने क्रिएट किया, तो उसको हम सी से दे रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हैं, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर रहे हैं इसमें भी, और जस्टिफाई कंटेंट से स्पेस अराउंड कर दिया। और प्रोज में जो इमेज है ना, उसकी जो हम विड्थ दे रहे हैं प्रोज में, जो इमेज है 28% उनकी इमेजेस की विड्थ होगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, और मार्जिन टॉप से हम 33 पिक्सल कर देंगे, जिससे वो टेक्स्ट से चिपक नहीं रहे। अब देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल हमारे कार्ड्स क्रिएट हो गए हैं। देन हमारे पास जो थर्ड कार्ड था बेसिकली CRD है ना, CRD को भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। और तो मैं क्या करूँगा, यही यार हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। और जो CRD में इमेज है, बेसिकली इमेज की विड्थ होगी इसमें 24% इमेज की विड्थ होगी याले कार्ड की, ये जो आप देख रहे हैं याले कार्ड्स इनकी इमेज की विड्थ 24% है ना, तो बल्कि 23 कर दे रहा हूँ मैं। और मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल दे देंगे।
तो ये कार्ड भी हमारे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये कार्ड भी आप देख सकते हो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। देन हमारे पास जो लिप, हमने बेसिकली जो लास्ट वाला ड्यू था जिसमें कार्ड है उसको हमने लिप क्लास दी थी, तो उसमें भी हमने डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे दिया। देन लिप में जो इमेज है उसकी भी विड्थ हम 23% दे रहे हैं और मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कार्ड के नीचे जाएंगे और ये देखिए आप, ये ट्रेंड्स वाले कार्ड भी हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब लास्ट में हमें क्रिएट करना है फूटर, तो सबसे पहले मैं करूँगा फूटर, फूटर में डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये तीन चीज़ आ जाएंगी जिससे सेंटर में भी आ जाएगा और उन्हें लेफ्ट से और राइट से और मिडिल से स्पेस भी मिल जाती है। और बैकग्राउंड कलर बेसिकली जो ब्लैक होने वाला है हमारे फूटर का, और जो कलर है वो वाइट दे देंगे क्योंकि जो टेक्स्ट है हमें वाइट कलर में देखना चाहिए। और पैडिंग हम यहाँ पर दे देंगे 66 पिक्सल। पैडिंग क्या होती है यार, ये हमें अंदर से विड्थ देती है। जैसे आप पैडिंग देंगे ना तो आपको ऊपर से भी लेफ्ट राइट सभी जगह से मिले स्पेस मिल जाएगा। और मार्जिन टॉप से हम इसे 66 पिक्सल कर देंगे, तो देखिए मार्जिन टॉप से भी आ गया। और ये हमारा जो लैक्मे, आप देख सकते हो जैसे हमने फूटर आपको बताया था पूरा उस तरीके से हमने फूटर को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में फॉन्ट फैमिली मूलिश दे रहे हैं जिससे कि हम हमारी वेबसाइट को और ब्यूटीफुल बना सके। तो आप देख सकते हो यार जो वेबसाइट का पूरा लुक है वो चेंज हो चुका है। और आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है वो हमने फॉन्ट गूगल फॉन्ट का यूज़ किया है जिससे पूरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। और देखिए होवर इफेक्ट पूरी तरीके से काम कर रहा है। और ये लैक्मे प्रोजोन वाला कार्ड है। देन ले ब्लैक बेस्ट डील्स है, ये फूटर है आपका। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।